क्लास नाइन्थ चैप्टर वन नंबर सिस्टम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर जो वन से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, इसमें वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन चलता रहता है, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं हमारे। फिर बात आती है होल नंबर्स की। होल नंबर्स आर्यभट्ट ने जब जीरो की खोज कर ली, उसके बाद नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दिया गया, जिससे बन गए हमारे होल नंबर्स। ये कैसे होंगे? जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन कहाँ तक जाएंगे? प्लस इन्फिनिटी तक। जो हमारा नेचुरल नंबर है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें होल नंबर्स तो होते ही होते हैं, जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक। साथ के साथ इसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी लेते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और ये चलते हैं माइनस इन्फिनिटी तक। इन सभी नंबर्स को हम एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस लाइन को बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन एक लाइन है जिसके सेंटर में हम जीरो लेते हैं। ये एक हॉरिजेंटल लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के अलोंग भी कई बार हम कंसीडर कर लेते हैं। इसमें राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी होती है, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी होती है। जीरो से राइट साइड की तरफ जब हम जाएंगे तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इस तरीके से। और जब हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे नेगेटिव नंबर्स हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो। इसके बाद हमारे इंटीजर्स के बाद इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं कि जैसे देखिए, इज ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। तो सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हैं? तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे होल नंबर थे उनमें नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी था। यानी एक जीरो ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। एक जीरो ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन वो होल नंबर है। उसके बाद हमारे आते हैं फोर्थ नंबर पे रैशनल नंबर्स, जिनको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके लिए कंडीशन रहती है, क्या कंडीशन रहती है कि इनको p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है? p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। यानी ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है p एंड q। बट यहाँ पे q के लिए कंडीशन है कि q जो है इंटीजर्स तो होगा बट वहाँ पे जीरो इंटीजर नहीं हो सकता, क्यों? नीचे डिनोमिनेटर फॉर्म में जो है, जैसे कि हमने लिखा थ्री बाय फोर, फाइव बाय वन, माइनस सेवन बाय एट, थ्री बाय वन, ये सारे हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। इनको हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो बाय फोर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। यहाँ पे p जो है वो हमारा जीरो है बट यहाँ पे q हमारा फोर है, वो जीरो नहीं है। टू, टू को भी हम टू बाय वन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए टू या टू बाय वन हमारा एक रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे हमने अभी कहा q जीरो नहीं हो सकता, अगर आपको कोई नंबर थ्री बाय जीरो इस तरीके से या कोई भी नंबर ऊपर हो और नीचे जीरो लिखा मिले, वो रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नीचे जीरो आने पर वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है, q जीरो नहीं हो सकता, रैशनल नंबर की कंडीशन है। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं रैशनल नंबर की तरह ही हम फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर के जैसे ही होते हैं। क्या डिफरेंस है इनमें? इनमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि रैशनल नंबर को तो हम पी बाय क्यू के फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, जैसे माइनस सेवन बाय एट है या टू बाय फोर हो गया। जैसे कि मान लीजिए टू बाय फोर है, वहाँ पे आप उसको टू बाय फोर को रैशनल नंबर बोल सकते हैं। बट यहाँ पे जो फ्रैक्शन है या इन फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इनमें एक चीज़ क्या रहती है कि जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर जैसे यहाँ वन है, डिनोमिनेटर टू है, वन और टू का जो आप देखेंगे
तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो को प्राइम नंबर है, तो वो क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शन कहलाएंगे। लेकिन अगर उनमें कुछ कॉमन फैक्टर है, जैसे 25/50, ये फ्रैक्शन ना कहला कर क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर है ये चीज? ओके, उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करते हैं तो उन्हें हम फ्रैक्शन में बदल कर शो कर सकते हैं या करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें कुछ जो रैशनल नंबर है, जैसे कि हमने अभी कहा, जैसे 10/20 है या 25/50 है या 47/94 है, ये रैशनल नंबर है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है। तो इनका, इन सभी को हम अगर फ्रैक्शन के रूप में देखें तो ये क्या है, 1/2 है, 1/2 इनका फ्रैक्शन होगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म इनकी क्या होगी, 1/2 होगी। इसलिए इनको नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करेंगे हम, 10/20 या 25/50 को रिप्रेजेंट ना करके हम 1/2 को ही नंबर लाइन पे शो करेंगे। जैसे रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, पहले हम रैशनल नंबर को हम जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/4 को या 7/3 को, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टेप वन में चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये जो हमारा रैशनल नंबर है या ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने जो रैशनल नंबर को कन्वर्ट कर लिया है, ये रैशनल नंबर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो हमारा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर शुड बी लेस देन द डिनोमिनेटर। जैसे 1/4 में 1 छोटा है और 4 बड़ा है, तो ये 1/4 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा गया उसमें न्यूमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। जैसे 7/3 में n बड़ा है और d छोटा है, तो यहाँ पे ये 7/3 क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, फिर स्टेप टू में हमें क्या चेक करना है, स्टेप टू में हमें अगर ये चेक करना है कि अगर हमारा प्रॉपर है तो उसको हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन अगर वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइड दे करके हम, जैसे 7 को 3 से डिवाइड दिया हमने और हमारा ये हो गया 2:1/3। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2+1/3, 2+1/3 का मतलब भी 7/3 ही होता है। फिर हम इसको रिप्रेजेंट करना देखते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/4, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हमें पता है 1/4 इज लेस देन 1, तो ये अगर लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। तो हमने एक नंबर लाइन ली, नंबर लाइन पे हमने 0 और 1 ये इस तरीके से हमने बना लिए। 0 और 1 बनाने के बाद नीचे क्या है, 4 है, डिनोमिनेटर में क्या है, 4। तो हम 0 से लेकर 1 के 4 पार्ट कर लेंगे, 0 को काउंट नहीं करेंगे, उससे आगे 1, 2, 3 और ये 4, यानी 1 पे पूरा 4 आना चाहिए। ठीक है, फिर उसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट सेक्शन था, उस फर्स्ट सेक्शन को हम 1/4 मानकर, यानी 1/4 हो जाएगा, 0 और 1 के बीच का ये 1/4 पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट 1/4 पार्ट है, यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे 7/3 है, 7/3 को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमने लिखा इसको मिक्स फ्रैक्शन में 2:1/3, और इसका मतलब 2+1/3, यानी इसकी वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी होगी, तो 2 और 3 के बीच में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन पे हमने 0, 1, 2 और फिर 3, इस तरीके से मैंने 2 और 3 सेक्शन को बड़ा दिखाया है ताकि क्लियर समझ में आ जाए। 2 और 3 के बीच में हम कितना डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 3, 3 सेक्शन बनाएंगे, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, इक्वल डिस्टेंस में आप इनको बनाइए, 1 सेक्शन, सेकंड सेक्शन और 3 पे पूरा वो थर्ड सेक्शन आना चाहिए आपको। फिर ऊपर क्या है, न्यूमिनेटर में 1, तो फर्स्ट सेक्शन पे हम लिख देंगे 1/3, यानी आपका 1/3 पार्ट हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में ये 1/3 है, और यहाँ से 0 से इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2:1/3, यानी 7/3 आप इसको, यानी ये 1/3 पार्ट था, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या रिप्रेजेंट करना, 7/3, तो एक्चुअल में 0 से ये डिस्टेंस कितना हो गया, 7/3 हो गया।
इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नेगेटिव में भी सेम तरीके से ही रिप्रेजेंट होगा, कोई अलग वे नहीं है इसके लिए। जैसे माइनस थ्री बाई फाइव कौन सा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में आप देख रहे हो ऊपर छोटा है थ्री और फाइव बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू भी जीरो और माइनस वन के बीच में ही आएगी, क्योंकि माइनस का नेगेटिव का नंबर है ये। तो हम जीरो और वन के बीच में कितने सेक्शन बनाएंगे, जितना डिनोमिनेटर, फाइव सेक्शन बनाएंगे, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेक्शन। फिर यहाँ से जीरो से ही देखेंगे न्यूमिनेटर थ्री पे है, तो थर्ड सेक्शन पे जाएंगे, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, थर्ड, थर्ड सेक्शन पे आपका माइनस थ्री बाई फाइव रिप्रेजेंट कर देंगे। इस तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, फाइव बाय फोर है। जैसे फाइव बाय फोर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, वन इज टू वन बाय फोर बनेगा। क्या बन गया ये, वन प्लस वन बाय फोर, यानी इसकी वैल्यू वन से बड़ी और टू से छोटी होगी। तो वन और टू के बीच में हमें फोर सेक्शन बनाने हैं, क्योंकि वन बाय फोर का डिनोमिनेटर फोर है। तो फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड, थर्ड और ये हो गया फोर्थ सेक्शन। फोर्थ पे आपका टू पे आपका पूरा फोर सेक्शन आ गया। अब आपको कौन से सेक्शन पे जाना है, जितना न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर वन है तो वन सेक्शन पे जाएंगे, और यहाँ से इस तक का पार्ट हो गया वन बाय फोर्थ, और जीरो से यहाँ तक का पूरा पार्ट हो गया वन इज टू वन बाय फोर का। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को आप ऐसे या किसी भी नंबर से आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। मोस्टली बुक्स में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया होता है। और ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जहाँ पे p q इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू जीरो हो। इनकी पहचान क्या होगी, इनको हम रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव इस तरीके से दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, या हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। जैसे अगर फोर को देखें, फोर का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, टू होता है, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है। टू एक, या हम कहें रूट फोर एक इरेशनल नंबर है, जबकि रूट टू, रूट टू का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, रूट थ्री का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, रूट फाइव का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए ये नंबर्स क्या है, हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे एक चीज हो रहा है, यहाँ पे रूट में जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, तभी वो इरेशनल नंबर होंगे। अगर रूट में इन नंबर के साथ माइनस लगा दिया जाए तो ये नंबर ना ही रैशनल होंगे ना ही इरेशनल होंगे, ये रियल नंबर भी नहीं होंगे। ये कौन से नंबर होंगे, ये इमेजिनरी नंबर्स बन जाएंगे आपके। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव लगा होगा तो ये नंबर आपके इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। ये टॉपिक आपके नाइन्थ क्लास से बाहर का है, ये एक टॉपिक इलेवेंथ क्लास में आता है, जिसमें हम रूट के अंडर में माइनस वन को एओटा वगैरह कंसीडर करके करते हैं। ओके, फिर आपके आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में हम क्या पढ़ते हैं कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आपके हैं वो सारे ही नंबर आपके रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, सारे नंबर किस में आएंगे, रियल नंबर में आएंगे। किसको छोड़कर, इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर। अब देखिए चार्ट है इसके लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर दी तो क्या बन गया, होल नंबर। होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स और डाल दिए तो क्या बन गया, हमारा इंटीजर्स बन गया। और इंटीजर्स में हमने फ्रैक्शन वाले यानी पी बाय क्यू की फॉर्म वाले नंबर भी डाल दिए तो क्या बन गए, रैशनल नंबर बन गए। और रैशनल नंबर में हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं थे जिन नंबर्स की, वो नंबर डाले तो वो भी मिला दिए इसके साथ में। अलग से कैटेगरी है हमारे पास क्या, वो इरेशनल नंबर्स की है, और उन सभी को मिलाकर क्या बन गए, हमारे रियल नंबर्स बन गए। ओके, आई थिंक ये आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।